क्या थी लव स्टोरी अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह की, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रिदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। दोस्तों, हमने ना बॉलीवुड में ले लो या टीवीज में ले लो, बहुत सारी लव स्टोरीज देखी है। यानी कि जब हम कभी टीवी सीरियल देखते हैं या फिल्में देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी भी लव स्टोरी कहीं ना कहीं वैसी हो। लेकिन एक आइडली अगर मैं बोलूं तो लव स्टोरी अगर देखी जाए तो ये समय पर भी सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के सामने आ रही है। दोनों का रिश्ता 6 साल का था, पवित्र रिश्ता से दोनों के रिश्ते की शुरुआत हुई और उसके बाद धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया है। साथ ही गलतफहमियां भी हुई हैं जिसके चलते दोनों अलग हो गए। अलग होने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े रहे हैं। जुड़े ऐसा नहीं कि दोनों के बीच में बातचीत थी, कोई कनेक्शन था, लेकिन जो कनेक्शन था वो दिल से दिल तक का जो कनेक्शन था वही कनेक्शन था। आज ये बात जरूर सामने आ रही है जो कि अंकिता लोखंडे के और सुशांत सिंह राजपूत के कॉमन फ्रेंड ने अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए बताया कि अंकिता ने आज भी अपने घर के नाम में से उनका नाम नहीं हटाया है। बहुत क्यूट सी बात है ये। और साथ ही जिस तरीके से दोनों का कनेक्शन रहा है वो एक अलग ही रहा है। दोनों भले ही अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए हों, किसी और को अपने पार्टनर के तौर पे चुना हो, लेकिन वो कनेक्शन जो है वो कभी भी टूट ही नहीं पाया। यहाँ तक कि सुशांत सिंह की सुसाइड के बाद में डॉक्टर्स तक ने ये स्टेटमेंट दी है कि सुशांत सिंह राजपूत अंकिता लोखंडे को भूल नहीं पाए थे या उन्हें उस वक्त के लिए काफी पछतावा था जब वो उनसे अलग हुए। मैं अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था तो मैं आपको बता दूं कि पवित्र रिश्ता करते करते सुशांत सिंह राजपूत को काफी फिल्में जो है वो ऑफर हो रही थी जिसके चलते वो न्यूयॉर्क भी गए। वहां पे जाके उन्होंने पढ़ाई की, उस जगह से पढ़ाई की जहां से बड़े बड़े एक्टर निकल कर आए और वहीं से वो एक्टिंग सीख कर आए और उसके बाद ही उनका फिल्मी करियर जो है वो शुरू हो गया था कायपोचे से। वेल, अंकिता लोखंडे यहाँ पर अपने करियर में ऑलरेडी पवित्र रिश्ता छोड़ चुकी थी, अकेले भी रह रही थी और सुशांत सिंह राजपूत जो है वो उन्हें समय नहीं दे पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं रिश्ते में प्यार था लेकिन प्यार के साथ साथ जो है एक दरार आती जा रही थी और उसी दरार के चलते, उन्हीं दूरियों के चलते जो है दोनों के रिश्ते ने भी दम तोड़ दिया। इस रिश्ते ने भले ही दम तोड़ दिया लेकिन इन दोनों के कनेक्शन ने जो है वो कभी दम नहीं तोड़ा था। और यही बात जो है वो डॉक्टर्स भी कहते हैं और सुशांत सिंह और अंकिता लोखंडे के दोस्त लोग भी कहते हैं। वेल, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए बॉलीवुड हेडलाइंस के साथ।